bill shall be restricted to matter of public importance or administrative policy implied in the grants covered by the bill, which have not already been raised while the relevant demand for the grant were under consideration. जो डिमांड हम ग्रांट में डिस्कस करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी क्षेत्र की समस्याओं के बारे में ही ज़्यादा डिस्कस करते हैं। उस डिमांड पर जो पॉलिसी के संबंध में है उस पर डिस्कशन कम होता है। इसलिए अप्रोप्रिएशन बिल के समय में या फाइनेंस बिल अप्रोप्रिएशन बिल के समय में अवसर मिलता है कि किसी भी विभाग की किसी की डिमांड की पॉलिसी के संबंध में हम ध्यान आकर्षित करना चाहें। जो अभी तक हम डिमांड में डिस्कस नहीं कर सकें उस पर डिबेट का पार्ट बनाया जा सकता है। इसलिए मैं आशा करूंगा कि अप्रोप्रिएशन बिल पर इस पर ध्यान दिया जाए। और मुझे पूछा जाए तो एक बड़ा सब्जेक्ट है जिस पर डिस्कस किया जाना चाहिए, एजुकेशन का। कोरोना के कारण 2 साल तक बच्चों की स्कूल में पढ़ने का अवसर उनको नहीं मिला, और पढ़ने के लिए 2 तरह से व्यवस्था की गई। एक, अध्यापक मोबाइल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएगा। जिनके माँ बाप पढ़े लिखे थे उन माँ बाप बने अपने बच्चों को मदद की पढ़ाई के लिए अध्यापक से मोबाइल के माध्यम से। पर जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे उन माँ बाप ने अपने बच्चे को मदद नहीं कर पाए। 2 साल बाद वो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं। 8वीं का बच्चा यदि 10वीं में आया तो 10वीं में आज 2 तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं। एक बच्चा वो जिसके माँ बाप पढ़े लिखे थे और मोबाइल के माध्यम से उन्होंने पढ़ने की मदद दी, और दूसरा बच्चा वो जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे उस बच्चे को उन्होंने मदद नहीं कर पाए और वो बच्चा भी पढ़ रहा है। तो क्लास में 2 तरह का बिल्कुल अभी जितने भी स्टडी आ रही है उसमें उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी है उसमें गैप हो गया, बहुत ज़्यादा गैप, जो होना नहीं चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब कोरोना के कारण ये हो गया, 2 तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं। न एसटीसी न बीएड के करिकुलम ने हमने परिवर्तन किया। अब ये 2 तरह के बच्चों की जो एजुकेशन है इसके गैप को यदि हम पूरा नहीं करेंगे तो वो 10th का एग्जाम देगा तो उसकी पास की संभावना कम होगी, ड्रॉप आउट ज़्यादा होगा। तो ये बच्चे की जो पीढ़ी है जो आज 14 साल 15 साल की है, ये 20-25 साल बाद यदि स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाएंगे तो समाज के सामने बहुत समस्याएं खड़ी हो जाएगी। इसको हमने एजुकेशन की पॉलिसी में डिस्कस नहीं किया। हमने ये भी डिस्कस नहीं किया कि गाँव में आपने देखा होगा इस मोबाइल के कारण बहुत बड़ी विषमता पैदा हो रही है। इस मोबाइल में माँ बाप जो पढ़े लिखे नहीं उनको मालूम नहीं है इस मोबाइल में क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध हैं। गूगल के माध्यम से अच्छी चीज़ें भी उपलब्ध हैं और गूगल के माध्यम से नेगेटिव चीज़ें भी उपलब्ध हैं। जो माँ बाप पढ़े लिखे हुए हैं वो इस मोबाइल का उपयोग लेकर बच्चे को मदद कर रहे हैं, और आज बच्चा ज़्यादा वेल इन्फॉर्म है बनिस्पत की पुरानी जनरेशन के। उस बच्चे के पास ज़्यादा जानकारी है गूगल के माध्यम से, टीचर से भी ज़्यादा जानकारी है, पेरेंट्स से भी ज़्यादा जानकारी है। जो पहले वाली जनरेशन के पास नहीं थी वो बच्चे के पास आज की डेट में उपलब्ध है। लेकिन इस मोबाइल में सारी नेगेटिव चीज़ें भी उपलब्ध है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, और ख़ासतौर से गाँव के गरीब आदमी जो वल्नरेबल सेक्शन का माँ बाप है उसे मालूम ही नहीं है कि बच्चा रात को मोबाइल पर क्या देख रहा है। उसके जो फॉलोआउट समाज में अंदर हो रहे हैं उसकी अभी हमने कल्पना नहीं की और हम चर्चा नहीं की है। आज ज़्यादा आवश्यक है हम इस मोबाइल के माध्यम से जिस तरह की स्थितियाँ बन रही है उसको हम सदन के अंदर चर्चा करें। तीसरा जो एक मुद्दा है जिस पर भी ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूँ, हमने पूरी गवर्नेंस को हम मोबाइल ई गवर्नेंस के माध्यम से आना चाहते हैं, ऑनलाइन आना चाहते हैं। सारी गवर्नेंस ऑनलाइन से आई आने वाले वर्षों में, और ऑनलाइन में आने के बाद उसके ऑनलाइन की एप्लीकेशन गांव के वनरेबल सेक्शन के आदमी को नहीं मालूम है कि मुझे ऑनलाइन में कैसे एप्लीकेशन देनी है, कैसे चीज़ों को रजिस्टर करना है। तो हमने एक एवेन्यू खड़ा किया ई मित्र का। ई मित्र में हमने फीस प्रिस्क्राइब कर दी है पर गांव के गरीब आदमी को उससे फीस से ज़्यादा फीस देनी पड़ रही है, और ई मित्र का जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल रहा है। यदि समाज में इतने बड़े तबके के लोग यदि ई मित्र के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, जो गवर्नेंस के बारे में जान नहीं रखते हैं, तो उनका भी फाइनेंशियल एक्सप्लोटेशन होगा। ये ज़्यादा आवश्यक है कि सदन में इन तरह की चीज़ों के संबंध में भी चर्चा की जाए। इसलिए मैंने ये अवसर उपलब्ध किया कि जो समय हमारे पास बचा हुआ है उस समय में हम ये बात को समझें कि फाइनेंस बिल और अप्रोप्रिएशन बिल में क्या चीज़ है जिसमें डिबेट के अंदर पार्टिसिपेट किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जैसा अप्रोप्रिएशन बिल में कहा इस ठीक उसी प्रकार फाइनेंस बिल के अंदर भी जो व्यवस्था है उसको भी हमें समझने की आवश्यकता है कि फाइनेंस बिल के अंदर हम क्या डिस्कस कर सकते हैं। ऑन ए मोशन दैट द फाइनेंस बिल बी टेकन इन टू कंसिडरेशन ए मेंबर में डिस्कस मैटर रिलेटिंग टू जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल ग्रीवेंसेज विद इन द स्फीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और मॉनेटरी और फाइनेंस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ये फाइनेंस बिल के डिबेट में डिस्कस करने का है। हमने जब से भारत सरकार ने GST लागू की है, GST लागू होने के बाद GST के पैसे के कलेक्शन का डिवोल्यूशन होता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। जब स्टेट के अंदर डिवोल्यूशन होता है
तब आज स्टेट की फाइनेंस की व्यवस्था करने का जो नया कॉन्सेप्ट भारत सरकार दे रही है उसको भी समझने की आवश्यकता है। पहले भारत सरकार स्टेट को पैसा डिवोल्व करती थी 90-10, 50-50 जो भी करती थी, उसमें स्टेट का एक सेक्रेटरी एनओसी दे देता था और उसको वो भारत सरकार ठीक मान लेती थी। अब नहीं, अब जब तक आप नीचे लेवल के बेनिफिशियरीज की एनओसी नहीं लाओगे तब तक जो भारत सरकार का पैसा है वो पूरा का पूरा डाइवर्ट होकर नीचे नहीं आएगा। इसलिए जो फाइनेंस पहले अवेलेबल था स्टेट के पास वो अब लिबर्टी अवेलेबल नहीं है। और एक नया कदम भारत सरकार उठा रही है, भारत सरकार कह रही है कि भारत सरकार की जो स्कीम है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को मैच करना है उसके लिए अलग फंड खोला जाए, उस फंड को कंसोलिडेटेड फंड के अंदर उपयोग नहीं लिया जाए जो अभी तक ये प्रैक्टिस रही है। ये भी एक आने वाले समय में स्टेट के फाइनेंस के मैनेजमेंट में बड़ी समस्या खड़ी होगी। और तीसरा, भारत सरकार जो सेस लगा रही है वो डीवीजी पुल का पार्ट नहीं है,